उत्तर प्रदेश के बस्ती में जुमे की नमाज अदा करने जा रहे बुजुर्ग पर तेंदुए ने हमला कर दिया। हमले में बुजुर्ग की दर्दनाक मौत हो गई। शरीर पर नाखून के निशान मौजूद हैं। 3 दिन पहले ग्रामीणों ने क्षेत्र में खूंखार तेंदुए को देखा था। आमद रास्ते में मिले बुजुर्ग ने तेंदुए के हमले से बताई जा रही मुन्नवर की मौत। सूचना पाकर पहुंचे CO शेषमणि उपाध्याय, SHO गौर राजकुमार पांडे। SHO गौर ने दी वन विभाग की टीम को बुजुर्ग पर हमले की सूचना। 2 दिन पहले तेंदुए के आमद की ग्रामीणों ने दिया था वन विभाग को सूचना। सूचना मिलने के बाद भी गंभीरता से नहीं लिया वन विभाग के जिम्मेदार गौर थाना के मोहनिया रामदत्त का रहने वाला मृतक मनवर। सर, इसमें ऐसा है कि हम लोगों को ये जानकारी मिली लगभग 2 बजे के आसपास में कि एक बच्ची यहाँ आई हुई थी बाहर, तो यहाँ से दौड़ती हुई गई तो उसने बताया कि वहाँ एक लाश पड़ी हुई है। तो गांव वाले वहाँ से दौड़ के आए तो देखे कि जो है लाश यहाँ गन्ने के बगल में साइड में पड़ी हुई है, और गले पर, इसके बाद में मुंह पर और हाथ पर भी ऐसे जैसे कोई नाखून से मार दे इस तरह से पूरा घाव बना हुआ था उनके गले पर और हाथ में और छाती सीने के ऊपर भी। तो हमने ही जो है चौकी पर फोन किया बमनान में, तो वहाँ से आश्वासन मिला, फिर वहाँ से पुलिस भी आई, उसके बाद में वन विभाग भी आया, लेकिन यहाँ पर मौके पर आए, घूम के देख के चले गए। ये गांव महनिया रामदत्त है जो कि थाना क्षेत्र गौर में पड़ता है। यहाँ के रहने वाले लगभग 70 वर्ष के मनोहर हुसैन पुत्र लाल मोहम्मद चौधरी जो कि इसी गांव के मूल निवासी थे, और वो नमाज पढ़ने के लिए गन्ने के खेतों के बीच से जा रहे थे। लगभग 12:30 से लेकर 1:30 बजे के बीच में उनके ऊपर किसी जंगली जानवर ने अटैक किया और उनको गर्दन में पीछे से दोनों तरफ तगड़े गहरे घाव हैं, और जबड़े पर भी उनके चेहरे पर भी जबड़े पर भी घाव हैं, जिसके परिणामस्वरूप उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई थी। इसकी सूचना जब पुलिस को मिली तो मौके पर सचिव गौर तत्काल मैं फोर्स के पहुंचे, और मेरे द्वारा इस संबंध में जो यहां की रेंज ऑफिसर हैं सोनल वर्मा, उनको भी जरिए मोबाइल सूचना दी गई थी। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।